छात्रा नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग आप लोगों को आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं बना रही मशरूम पनीर का सब्जी, दिखाती हूँ आपको कैसे बना रही हूँ बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। देखिए पनीर फ्राई कर लिए हैं, इसमें तेल डाले हैं और इसमें सब मसाला डाले। इसको मशरूम उबाल के और इसको उबाल के फ्राई करके रख लिए हैं। आप देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जीरा देंगे, फ्राई हो गया। ये मिर्ची और प्याज ब्राउन करेंगे, ब्राउन होगा तब तक भूनते रहेंगे, फिर मसाला निकालते हैं। अब ये ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाला डालेंगे, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल देते हैं। चलिए अब इतना हो गया है, थोड़ा शिमला मिर्च हिला देते हैं, थोड़ा फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद तक ये होगा। और हम इसमें जाते हैं मसाला निकालना, मसाला निकाल लेते हैं। देखिए मसाला में ये सब है, जब तक वो होगा बनेगा ब्राउन होगा तब तक देखिए। इतना हल्दी है, हल्दी डालना है और इधर थोड़ा काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, ये हो गया जीरा पाउडर, ये हो गया थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ले लेते हैं, रेड होगा अच्छा लगेगा। देख लीजिए थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, डिब्बा में निकाले नहीं है, हम निकालेंगे इतना ज़्यादा देंगे नहीं, क्योंकि इसमें ये दे रहे हैं थोड़ा किचन किंग मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा क्या करेंगे तब भी अच्छा लगेगा। एक हाथ से पकड़ के ना अंदाज से मैं डाल रही हूँ, किचन किंग है ये, इतना मसाला काफ़ी है कम मसाला बनाने के लिए। इसमें देखिए ये रखी, ये हो गया, ये मसाला है, ये पनीर है, ये फ्राई कर रहे हैं अभी इसको, हो गया। मैं 2 मिनट बाद इसमें मसाला डालते हैं। पनीर का सब्जी बनाऊंगी, फिर मेरे प्याज अभी ब्राउन हो रहा है, अभी 2 मिनट टाइम है, तब तक मैं चावल को पसा देती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ इसका। इधर दाल भी पक रहे हैं, दाल में मैंने आलू भी डाल दिया, उसको फ्राई करेंगे, फिर मसल के उसका स्टू बनाएंगे। स्टू बनाने से अच्छा रहता है, मन करे तो कभी आलू पराठा बना लिए, कभी सैंडविच बना लिए, कभी डोसा बनाए, उसके लिए रेडी करके रखना जरूरी होता है, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए इजी हो जाता है, अच्छा रहता है। मेरा उधर भी पक गया, ये भी हो रहा है, मार निकालते हैं, यही मैं मार निकाल के फिर चावल बनाते हैं खाते हैं, बिना मार निकाले नहीं कुकर में, बस कुकर में बस दाल बनता है, जो भी अपना उबालना पकाना है बस वही करते हैं, मेरा इसमें बनता है। चावल बन गया,
चलिए फिर मिलते हैं। ये भी बन गया, ब्राउन हो गया। अब इसमें मसाला डालते हैं। और इसके बाद में थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मसाला सूखा है, थोड़ा हल्का पानी डाल के इसको उभार लाएंगे। फ्राई करते हैं। मसाला पक जाएगा फिर इसमें मशरूम फ्राई करेंगे। मसाला घर आने देते हैं, इसको हो जाएगा। फिर इसमें मशरूम डालेंगे, फिर पनीर में डालेंगे, आपको दिखाते हैं। घर हो गया, इसमें मशरूम डाल देते हैं। मशरूम को फ्राई करते हैं। मशरूम लेते हैं, फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पानी गरम कर लिया, गरम हो गया है। अब इसको इसमें डालते हैं। बघार हो गया, अब ये थोड़ा उबाल आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर इसमें पनीर डालेंगे। अभी इसको पकने देते हैं। अभी हो गया, पक ही गया है, पका हुआ है। और इसमें थोड़ा नमक डालते हैं। इसमें अब इसमें पनीर डाल देते हैं। फाइनल सैसू डाल देते हैं। धनिया पत्ती देखिए, और बाद हो जाएगा, बंद कर देंगे।